आईएमए के राष्ट्रीय पदाधिकारी बुधवार को नीमच पहुंचे। इस दौरान आईएमए कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से रूबरू हुए। बाबा रामदेव देश के सम्माननीय व्यक्ति है, उनके कारण आज विश्व में कई देशों में भारतीय योग पद्धति पहुंची है और लोग उनका अनुसरण भी कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए का भी बाबा रामदेव से कोई मतभेद या बैर नहीं है, पर उनकी जुबान से परेशानी है जो उनके काबू में नहीं रहती। यह बात बुधवार को नीमच में अल्प प्रवास पर आए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने आईएमए नीमच के कार्यालय में मीडियाकर्मियों से रूबरू होते हुए कही। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयलाल ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने लोगों की जान बचाने के लिए जी जान से काम किया और उनको बचाया। आलम यह रहा कि पूरे देश में कोरोना के कारण करीब 2000 चिकित्सकों की मौत हुई, लेकिन विडंबना यह है कि सरकार निजी चिकित्सकों को कोरोना योद्धा मानने के लिए तैयार नहीं है। जिन्हें कोरोना योद्धा माना उन्हें भी आर्थिक सहयोग करने में कोई मापदंड निर्धारित नहीं किए। किसी राज्य में 25 लाख तो कहीं 1 करोड़ रुपए दिए गए। हालातों के मद्देनज़र आईएमए ने संस्था से जुड़े दिवंगत चिकित्सकों के परिवारों को सहयोग करने के लिए फंड तैयार किया, जिसके माध्यम से करीब 100 दिवंगत चिकित्सकों के परिवार को आर्थिक सहयोग करने का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक 28 दिवंगत चिकित्सकों के परिवार को सहयोग कर चुके हैं। आईएमए के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने कहा कि कोरोना काल में आईएमए से जुड़े चिकित्सकों ने पूरे देश में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। कोरोना की पहली लहर में तो सरकार ने निजी क्लिनिक बंद करा दिए थे, लेकिन दूसरी लहर में चिकित्सकों ने जितना हो सकता था उससे अधिक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन में भी आईएमए के चिकित्सक सहयोग कर रहे हैं। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में तो लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने के लिए पहले चिकित्सक टीका लगवा रहे हैं। आज हम लोग हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर जे जयलाल एंड डॉक्टर लेले जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं और हमारी स्टेट के प्रेसिडेंट डॉक्टर निगम और मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ डॉक्टर विनय अग्रवाल, हम सब लोग यहाँ पर आज एक कोरोना मार्टिर की फैमिली के साथ सहानुभूति दिखाने आए हैं और कुछ आर्थिक मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ में हमारी कुछ मीटिंग्स फिक्स हैं हमारी जो एग्जीक्यूटिव से और बाकी लोगों से कि इनकी इस समस्याओं पर हम बात करेंगे। हमारा ये कहना है कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसके इस समय 3.75 लाख मेंबर हैं और एसोसिएट मेंबरशिप अगर काउंट करें तो 10 लाख के करीब हमारे डॉक्टर्स हैं, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की हर ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं और करते रहेंगे। तीसरी चीज़ हमारा ये कहना है कि कोरोना मार्टिर्स जहाँ जहाँ काफ़ी सारे 2000 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हुई और हेल्थ केयर वर्कर्स की मौत हुई, सरकार को उनको पैशनेटली देखकर उस हर फैमिली को आर्थिक मदद करनी चाहिए, बिकॉज जिसने अपना प्रिय जन खोया है या अर्निंग मेंबर खोया है वो सरकार की जिम्मेदारी है। आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनय अग्रवाल ने कहा कि वे दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में 10 दिन ऐसे बीते थे कि लगने लगा था कि ऑक्सीजन की किल्लत दूर नहीं होगी तो क्या होगा। ऑक्सीजन की भारी किल्लत रही, पर विडंबना देखे कि सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके 40 वर्ष के मेडिकल कार्यकाल में ऐसा समय कभी नहीं देखा। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकारें कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवाएं देने के लिए तैयार है, पर सरकार उन्हें नियमित नियुक्ति नहीं दे रही है। कोरोना काल में 3 माह के लिए नियुक्त किए गए और उसके बाद 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। ऐसे में नियमित नियुक्ति नहीं मिलने पर कौन सरकारी चिकित्सक के रूप में सेवा देगा। उन्होंने कहा कि आईएमए चिकित्सकों के अधिकारों के लिए कार्य करती है पर गलत का साथ नहीं देती है। अगर कोई चिकित्सक गलती करता है तो आईएमए उसके साथ खड़ी नज़र नहीं आएगी, पर किसी चिकित्सक पर बेवजह हमला किया जाता है तो आईएमए चिकित्सक का सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का दवा कंपनियों पर नियंत्रण नहीं है, जिससे एक ही दवा 5 ब्रांड के नाम पर पैक की जा रही है और मरीज को लगता है कि चिकित्सक किसी विशेष मेडिकल से दवा लेने पर जोर दे रहे हैं। इस मौके पर आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष अनूप निगम, डॉक्टर राजेंद्र एरन, नीमच जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जैन, डॉक्टर चमड़िया आदि मौजूद थे।